वेलकम बैक। ओके, पिछले पार्ट में हमने एक टैक्स सेलेक्टर बनाया और मैंने कहा था अगले पार्ट में हम क्लासेस को डिस्कस करेंगे। उससे पहले, सबसे पहले मैं लाइन नंबर 16 को करता हूँ कंट्रोल सी और फिर नीचे आके कंट्रोल वी, बेग योर पार्डन, कंट्रोल जी गलत हो गया, सिस कंट्रोल सी एंड कंट्रोल वी। ओके, वेबसाइट का नाम चेंज कर देते हैं। एक और हाइपरलिंक बना रहा हूँ मैं, लेट्स से google.com, और यहाँ पे हम कर देते हैं गूगल सर्च, गूगल गूगल सर्च। ओके, बाकी टारगेट ब्लैंक की जगह यहाँ पे हम सेल्फ कर देते हैं। यू नो, एक टारगेट एट्रीब्यूट ब्लैंक भी होता है, अंडरस्कोर ब्लैंक भी होता है, अंडरस्कोर सेल्फ भी हो सकता है। सेल्फ मतलब उसी पन्ने पे खुलेगा, ब्लैंक मतलब न्यू ब्लैंक पन्ने पे, नए पन्ने पे खुलेगा। ओके, एक ऑप्शन अंडरस्कोर न्यू भी होती है, अंडरस्कोर ब्लैंक अंडरस्कोर न्यू काफ़ी मिलते जुलते हैं लेकिन थोड़ा सा फ़र्क है। लेकिन आज हम हाइपरलिंक्स की बात नहीं कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं इस समय क्लासेस की, आईडीज़ की, टैग सेलेक्टर्स की। तो पिछले पार्ट में हमने एक्चुअली देखा टैग सेलेक्टर्स किस किस्म से या किस तरीके से काम करते हैं। बेसिकली सारे के सारे पैराग्राफ्स को एक स्टाइल में हमने डुबो दिया, भिगो दिया या रंग दिया, रंग दिया कहना सही रहेगा बिकॉज उसको एक चॉकलेट कलर दे दिया, राइट। ओके, वे वे कूल। एक और एग्जाम्पल लेते हैं टैग सेलेक्टर का एंड देन वी मूव ऑन टू द क्लास सेलेक्टर, राइट। सो लेट्स गो टू दी, हम जाते हैं xt.css फाइल में। एक बार मैं एंटर मारता हूँ, CSS टैब में पहला बटन क्लिक करता हूँ, इस बार सेलेक्टर चूज करता हूँ ए, एंकर टैब, एनीथिंग विच इज एंकर, ए से स्टार्ट होती है। दो लिंक्स हैं, हाइपरलिंक्स ए से स्टार्ट होते हैं। प्रॉपर्टी यहाँ से ही चूज चूज कर लेते हैं, लेट्स से काम करते हैं, हाउ अबाउट फॉन्ट स्टाइल, एंड यहाँ पे जाके इटैलिक, सारे के सारे एंकर टैग्स इटैलिक। ओके, ऐड, ओके, एंड इससे क्या होगा, अगेन विदाउट दिस एनी डिस्क्रिमिनेशन, एवरी टॉम डिक एंड हैरी, एनी बडी एंड एवरी बडी, हर एंकर टैग को मैं इटैलिक देखना चाहता हूँ। सेव, गो टू इंडेक्स डॉट html, बेग योर पार्डन, लेट्स टेक अप अ ब्राउजर प्रीव्यू। ओके, एंड लेट्स रीलोड। आई थिंक ये दूसरा टैग सेव हुआ कि नहीं हुआ, लेट्स सेव इट अप, लेट्स टेक अप अ ब्राउजर प्रीव्यू अगेन। ओके, आप देख सकते हैं चाहे वो गूगल सर्च हो, चाहे वो क्वालिटी लेसन रिव्यू एंड फ्लैश हो, दोनों इटैलिक हैं क्योंकि मैंने टैग सेलेक्टर इस्तेमाल किया। टैग सेलेक्टर उस एलिमेंट के सारे अकरेंसेस को उस वेब पेज पे अफेक्ट करता है। क्वालिटी लेसन्स पहला अकरेंस था, गूगल सर्च दूसरा अकरेंस था, दोनों का अफेक्ट किया, दोनों इटैलिक हो गए। सिमिलरली चारों के चारों पैराग्राफ्स कर्सिव फॉन्ट में चॉकलेट कलर के हो गए। वो टैग सेलेक्टर इस किस्म से काम करता है, वेरी वेरी कूल। ओके, नाउ ये तो बात हुई टैग सेलेक्टर्स की। ओके, दे डू नॉट नो हाउ टू डिस्क्रिमिनेट, जस्ट एज नेचर डज नॉट डिस्क्रिमिनेट, टैग सेलेक्टर्स भी डिस्क्रिमिनेट नहीं कर सकते, सारे के सारे उस किस्म के एलिमेंट्स को अफेक्ट करते हैं। नाइस, अब हम बात करेंगे क्लास सेलेक्टर्स की, क्लासेस की। उदाहरण के तौर पे अगर मैं चाहता हूँ कि इन चार पैराग्राफ्स में से ऊपर के दो पैराग्राफ्स को एक क्लास लगा के उनका कलर ही चेंज कर दूँ, आई डोंट वॉन्ट द थर्ड पैराग्राफ विच इज़ इन लाइन नंबर 11, या फिर फोर्थ पैराग्राफ को अफेक्ट करूँ, मैं करना ही नहीं चाहता उनको अफेक्ट, मैं सिर्फ यू नो पहले दो पैराग्राफ्स को अफेक्ट करना चाहता हूँ। अगर मैं इस किस्म के सिचुएशन में हूँ तो ये सिचुएशन बहुत अच्छी है क्लास सेलेक्टर यूज़ करने के लिए। क्लासेस आर लाइक मास्टर कीज़, दे कैन फिट मोर देन वन लॉक, एक से ज़्यादा ताले खोल सकते हैं, वो ना सिर्फ फिट करते हैं खोल भी देते हैं। यस, दैट इज़ वॉट इज अ क्लास। क्लासेस आप कई दफ़ा यूज़ कर सकते हैं, एक बार से ज़्यादा यूज़ कर सकते हैं एक डॉक्यूमेंट में, एक पन्ने पे। ओके, इस पन्ने पे मैं आपको दिखाता हूँ, एक क्लास में एक से ज़्यादा यूज़ करता हूँ, दो यू नो पहले वाले पैराग्राफ और दूसरे वाले पैराग्राफ पे अप्लाई करता हूँ, और सिर्फ पहले वाले एंकर टैग पे भी अप्लाई करता हूँ। ओके, तो मैं अलग अलग एलिमेंट्स पे यूज़ कर सकता हूँ और एक से ज़्यादा बार यूज़ कर सकता हूँ, दे वर्क जस्ट लाइक मास्टर कीज़।
वो चाबी जो एक से ज्यादा ताले खोल सकती है। दैट इज वॉट इज अ क्लास। वेरी वेरी सिंपल। आईडी एक पटाखे की तरह है जो एक बार बजता है और दोबारा नहीं बजता है, यू नो। ये आपकी जिंदगी की तरह जो आपको सिर्फ और सिर्फ एक बार मिलती है, बार बार नहीं मिलती है। दैट इज एन आईडी, यूनिक, सिर्फ एक बार इस्तेमाल होती है एक पन्ने पे, आपके एक वेब पेज पे, दोबारा नहीं। सो आईडीज आर ऑलवेज यूनिक, वेर एज क्लासेस की मल्टीपल अकरेंसेस मिलेंगी आपको एक वेब पेज पे। ये उन दोनों में सबसे बड़ा डिफरेंस है। और कॉन्फ्लिक्ट के केस में जहाँ आप एक एलिमेंट पे क्लास और आईडी चाहे गलती से भी लगा दें तो भी आईडी का वजन 10 गुना ज़्यादा रहता है, क्लास पे भारी हो जाती है और ओवरराइड कर जाती है आईडी क्लास को। ओके सो लेकिन ये क्लासेस हों, आईडीज हों, टैग सेलेक्टर्स हों, इनलाइन स्टाइल्स हों, इनका मकसद तो घूम फिर के एक ही है, यू नो, कि आप एक किस्म का पहचान देते हैं अपने एलिमेंट्स को, एलिमेंट्स को पकड़ने का एक तरीका, उनको टारगेट या होल्ड करने का या कैच करने का एक तरीका। दिस इज वॉट इज द मीनिंग, इसका ही मतलब होता है कॉन्टेक्चुअल सेलेक्टर्स, चाहे आप उसको सेलेक्टर्स बोल लें। ओके, ड्रीम व्यूअर में यूजली हम एक टर्म यूज़ करते हैं कॉन्टेक्चुअल सेलेक्टर, इन सिंपल लेमैन लैंग्वेज आप उसको सेलेक्टर भी बोल सकते हैं, किस्म किस्म के सेलेक्टर्स, राइट। तो लेट्स सी एन एग्जाम्पल ऑफ क्लास सेलेक्टर। आई क्लिक आउट हेयर, मैं यहाँ पर जाता हूँ। क्लासेस इस्तेमाल करनी है तो आपको डॉट से स्टार्ट करनी पड़ेगी, आई डीज हैश से। समझ लीजिए मैंने क्लास का नाम क्लास वन दे दिया। ओके पार्डन मी, सबसे पहले आई नीड टू बी इन दी सी एस एस यू नो फाइल। फिर से शुरू करते हैं, शुरू से शुरू करते हैं। सो आई गो आउट हेयर क्लास वन। एक काम करते हैं, इसका नाम स्टाइल वन देते हैं। स्टाइल, क्लास का नाम हमने स्टाइल वन दे दिया। ओके और इस क्लास के जरिए आई वुड वांट टू लेट्स से चेंज द हाउ अबाउट कलर, फिर से कलर। ओके दिस टाइम लेट मी चूज दिस कलर। ओके करते हैं, ओके एंड ऐड करते हैं और कुछ नहीं करते हैं। मैंने एक और क्लास बनानी है स्टाइल वन, और कलर बेसिकली मैं चेंज कर रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ ओके। और आप देख सकते हैं, यू नो, क्लासेस ऑलवेज स्टार्ट विद अ डॉट और अ पीरियड, यू नो, और अ फुल स्टॉप, और ये क्लास हमारे पास रेडी है। अब इसको मैं जगह जगह पे इस्तेमाल कर सकता हूँ। लेट मी फर्स्ट सेव इट, गो बैक टू द एचटीएमएल, यू नो, index.html फाइल, और मैं जगह जगह पे इस्तेमाल कर सकता हूँ जहाँ मेरी मर्जी हो। बार बार लगातार मैं यूज़ करता हूँ। सो आई गो आउट हेयर, यहाँ पे जाता हूँ एंड देन आई से क्लास, ओके, और फिर स्टाइल वन। लेकिन यहाँ पे आप फुल स्टॉप स्टाइल वन नहीं करेंगे, जस्ट से स्टाइल वन। इस पे अप्लाई करता हूँ, ये होता है तरीका अप्लाई करने का, एट्रीब्यूट की तरह। ओपनिंग टैग में जाएंगे उस एलिमेंट के, यहाँ पे भी अप्लाई करता हूँ, जस्ट पेस्टेड इट आउट हेयर। और लेट्स से यहाँ पे भी अप्लाई कर देता हूँ, यू नो, टारगेट एट्रीब्यूट के बाद। भाई इसको मैं कहीं भी यूज़ कर सकता था, एज एन एट्रीब्यूट, उसके टारगेट से पहले भी यूज़ कर सकता था, एचरेफ से पहले भी यूज़ कर सकता था। एज सच मैं इसको यू नो एट्रीब्यूट्स को आगे पीछे कर सकता हूँ, तो दैट्स ओके, दैट्स ऑल फाइन, ठीक है। अब मैं इस डॉक्यूमेंट को सेव करता हूँ। अब हम एक प्रीव्यू लेते हैं एंड लेट्स से रीलोड। और अब आप फ़र्क देखो, इस पैराग्राफ पे और इस पैराग्राफ पे हमने ये अभी नई क्लास लगाई थी, और इस पहले वाले एंकर टैग पे ये लगाई थी। इनफैक्ट मैं काम करता हूँ, लेट्स गो बैक आउट हियर, बिटवीन द टू एंकर टैग्स एक बी आर टैग भी डाल देते हैं। ऑलराइट, सो लेट्स सेव इट अप, लेट्स गो बैक टू दी, यहाँ पे जाते हैं वापस से रीलोड करते हैं। तो ये दोनों अब एंकर टैग्स अलग अलग, यू नो, लाइंस पे आ गए। बी आर टैग लगा दिया, लाइन ब्रेक लगा दिया। ओके सो अब आप अगर गौर करें तो ये पैरा थोड़ा डार्क है, इट्स अ डिफरेंट कलर, कम्प्लीटली नया कलर है, ये चॉकलेट कलर ही है अभी तक। ओके ये कलर भी ब्राउनिश सा हो गया है। ओके सो एज यू कैन सी, क्लासेस आप मल्टीपल अकरेंस होती है उनकी एक वेब पेज पे, अलग अलग एलिमेंट्स पे लग गई, पैराग्राफ पे भी लग गई, एंकर टैग पे भी लग गई, वे वे कूल। सो इस तरीके से आप क्लासेस यूज़ करते हैं। आईडीज इस तरह से आप बार बार इस्तेमाल नहीं कर सकते। यू कैन बर्स्ट योर क्रैकर जस्ट वंस, नॉट अगेन, सीधी बात। ओके सो एक डॉक्यूमेंट पे एक बार आईडी इस्तेमाल होगी, दूसरी बार नहीं होगी, फाइन। अच्छा, क्लासेस में एक और खूबसूरत बात है, मैं मल्टीपल क्लासेस भी एक ही एलिमेंट पे अप्लाई कर सकता हूँ। फॉर एग्जांपल, सबसे पहले तो एक मल्टीपल क्लास बनाते हैं, एक और क्लास बनाते हैं। लेट्स से मैं इसी को कॉपी कर लेता हूँ, लेट्स से कंट्रोल सी, नीचे आके कंट्रोल वी, एंड इंस्टेड ऑफ यूजिंग द कलर प्रॉपर्टी लेट मी यूज़ अ डिफरेंट प्रॉपर्टी, लेट्स से टेक्स्ट।
डेकोरेशन. सी दिस इज एग्जैक्टली वाई, यही यू नो स्पेशल कारण है, बहुत बड़ा कारण है कि आई लव ब्लू फिश. ब्लू फिश में काम करोगे आपको उससे प्यार हो ही जाएगा. यू सी कितना अच्छा यू नो इसमें आपको एक टूल टिप आ रहा है, वो डिस्क्राइब करता है कि टेक्स्ट डेकोरेशन क्या है, उसकी पॉसिबल वैल्यूज क्या हो सकती हैं. द काइंड ऑफ कोड हिंटिंग जो आपको मिलती है ब्लू फिश में, ऑसम. डिस्क्राइब्स डेकोरेशन दैट आर यू नो एडेड टू द टेक्स्ट ऑफ एन एलिमेंट. यू सी हाउ ब्यूटिफुली दे हैव डिस्क्राइब्ड एवरीथिंग. सो मैं टेक्स्ट डेकोरेशन लेता हूँ और हाउ अबाउट अंडरलाइन. ओके अगेन द कोड हिंटिंग ऑसम राइट. सो इसको मैं स्टाइल टू कर देता हूँ. तो बेसिकली मैं चाहता हूँ कि जहाँ भी ये स्टाइल लगे वहाँ पे एक अंडरलाइन ज़रूर आ जाए राइट. इसको मैं यहाँ से सेव करता हूँ. लेट्स गेट बैक टू माय इंडेक्स डॉट एच टी एम एल. ओके एंड देखिए इस एंकर टैग पे तो टेक्स्ट डेकोरेशन अंडरलाइन लगाने की कोई ज़रूरत ही नहीं है, तो पहले से ही लगा हुआ है. लेकिन हम इन दोनों पैराग्राफ्स पे लगाते हैं. कैसे लगाते हैं मल्टीपल क्लासेस देखते हैं. यहाँ पे जाएंगे स्पेस सेपरेटेड क्लास नेम स्टाइल टू, इस तरीके से लगाया जाता है. और इस पे भी लगाते हैं स्टाइल टू. और एक काम करते हैं थर्ड वाले पे भी सिर्फ स्टाइल टू लगाते हैं. स्टाइल वन स्टाइल टू दोनों साथ में नहीं लगाते. सो द क्लास एट्रीब्यूट एंड लेट्स से स्टाइल टू. ओके सेव द डॉक्यूमेंट अप, ब्रिंग अप द ब्राउजर, रिफ्रेश, रीलोड. अब आप देख सकते हैं इन तीनों पैराग्राफ्स पे स्टाइल टू लगा है, इसलिए टेक्स्ट डेकोरेशन इज अंडरलाइन. ओके लेकिन पैरा वन और पैरा टू पे स्टाइल वन स्टाइल टू दोनों लगे हैं. सो ये हुआ एक उदाहरण जहां आप मल्टीपल क्लासेस एक ही आईडी पे टारगेट करते हो, एक ही आईडी पे लगाते हो, अप्लाई करते हो. ऑलराइट लेट मी टेल यू अगेन, वेटेज के हिसाब से, वजन के हिसाब से आईडी 10 टाइम्स मोर पावरफुल देन क्लास, क्लास 10 टाइम्स मोर पावरफुल देन अटैक सेलेक्टर. स्पेसिफिसिटी वेटेज इसकी बात फिर कभी, लेकिन इतना जानना ज़रूरी है हमारे लिए. सो बेसिकली आप देखें कि अगर एक टैग और एक आईडी दोनों लग जाते हैं एक एलिमेंट पे, जैसे इस एलिमेंट पे लगे हुए हैं, क्लासेस भी लगी हैं, एक टैग सेलेक्टर भी लगा है, क्लासेस हैव टू विन, उनका जीतना स्वाभाविक है. ऑलराइट पीपल, सो आई होप दैट यू नो आपको काफ़ी पसंद आया है, काफ़ी कुछ सीखने को मिला है अभी तक. हम फिर से अगले भाग या अगले पार्ट में फिर मिलते हैं इन पार्ट नंबर 3, और इस सब्जेक्ट को, इस विषय को और आगे लेके जाते हैं, डिफरेंट टाइप ऑफ सेलेक्टर्स, कॉन्टेक्चुअल सेलेक्टर्स. बाय बाय.